हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रिफ्रेशी आर्ट स्टूडियो के चैनल रिफ्रेशी आर्ट में। आज हम राखी बनाने जा रहे हैं। राखी इपॉक्सी रेजिन से, ये देखो बहुत ब्यूटीफुल राखी बनी है और बहुत ही सिंपल है और इसको कोई भी पहले हम बना देखेंगे सकता है। कि क्या सबसे क्या पहले हम लेंगे इपॉक्सी रेजिन, मटेरियल्स चूज भी ब्रांड का ले सकते जो हैं, है जिस भी इसके ब्रांड का लें। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से तो पढ़ पहले के इसकी इंस्ट्रक्शंस चेक कर लें। हमें ये देखना है कि कि इसमें समटाइम कितने हार्डनर पार्ट्स के साथ हार्डनिंग रेशो बनाना है, अलग कितने अलग होता पार्ट्स है। तो इपॉक्सी ये रेजिन हार्डनर बनाना है। है, तो तो ये वाला हमने जो दोनों ले रहे के हैं हम हार्डनर इंस्ट्रक्शंस अच्छे और से पढ़ इपॉक्सी लिए। रेजिन यूज तो करेंगे, और अब ये एक हम पार्ट जो लेंगे है वो किचन हार्डनर वेइंग यूज मशीन, करेंगे। तो ये और है उसमें किचन हम वेइंग मशीन, नापेंगे इसके अंदर सबसे हम पहले पहले उसको थ्री पार्ट्स तोलेंगे, थ्री इपॉक्सी रेजिन पार्ट्स को, इपॉक्सी रेजिन के। और तो जो ये है यहाँ पे हम इस वाले इपॉक्सी 60 रेजिन ग्राम में थ्री पार्ट्स इपॉक्सी इपॉक्सी रेजिन रेजिन मिक्स नापेंगे, करनी है और और उसके वन बाद पार्ट हार्डनर इसको मिक्स जब करना ये है। हो जाएगा तो अब तो अब हम वन फिर से पार्ट हम जीरो हार्डनर ले रहे दबाएंगे हैं, किचन तो मशीन वो में, हमने अगर 60 ग्राम और उसके लिया था बाद तो ये हम जो है हार्डनर डालेंगे, जो20 ग्राम हमने लेंगे वन पार्ट लेना है वो हार्डनर। 60 ग्राम लिया था, ये हम 20 ग्राम धीरे लेंगे। धीरे इसको नापना है, तो ये ये हमने 20 ग्राम20 ग्राम ले ही होना लिया। चाहिए। अब इसके तो अब बाद हमने इसको 20 ग्राम ये नाप लेके लिया हम है। इस इन दोनों अब को इसे जो है अच्छे हम से मिक्स दोनों करेंगे, जहाँ पे हार्डनर हमने और नापे हैं हार्डनर और इपॉक्सी रेजिन को। उनको दोनों तो को इसको मिक्स बहुत धीरे करेंगे धीरे धीरे हमने धीरे इपॉक्सी मिक्स रेजिन करना और है। हार्डनर के मिक्सचर को। अब इनको इसको जो है मिक्स अप मिलाने के बाद इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अभी ये क्लियर इपॉक्सी रेजिन है, अभी इसके अंदर हमने कोई भी वो नहीं मिलाया। अब ये है अल्कोहल इंक, तो ये अल्कोहल इंक भी इपॉक्सी रेजिन मिक्सर में मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी एक कलर होता है। तो ये हमने कुछ बूंदें इपॉक्सी रेजिन की एक पार्ट में डाली, कुछ बूंदें इपॉक्सी रेजिन किस अल्कोहल इंक की इपॉक्सी रेजिन में डाली और अब इसको भी धीरे धीरे मिक्स करना है। तो अब इपॉक्सी रेजिन और अल्कोहल इंक वाला मिक्सचर हम जो है मोल्ड्स में डालेंगे, राखी के मोल्ड्स में। तो ये 3:1 इपॉक्सी रेजिन का मिक्सचर था और इसमें फिर हमने अल्कोहल इंक जो है वो मिक्स करी थी। तो ये डिफरेंट कलर की अल्कोहल इंक भी ले सकते हैं, जो हम अलग अलग उसको पार्ट्स करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमने इपॉक्सी रेजिन इसकी जो है मिक्सचर को मोल्ड्स में डाल दिया। अब क्लियर वाला इपॉक्सी रेजिन जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कलर मिक्स नहीं किया था हमने, वो वाला हम बाकी के पार्ट्स में डाल देंगे। जो पहले वाला जो हमने कलर्ड वाला डाला था, उसको 2-3 घंटे सूखने के बाद फिर हमने क्लियर वाला डाला। अब इसको भी 5-6 घंटे सूखने के बाद, अच्छी तरह सेट होने के बाद, इसके अंदर हम स्टिकर्स निकाल लगा रहे हैं, जो आराम से स्टिकर्स मिल जाते हैं। ब्रदर, भैया, वीर जी, कुछ भी लिखा होगा, ओम का भी हो सकता है, स्वास्तिक का भी हो सकता है। तो ये स्टिकर्स लगाने हैं और ये स्टिकर्स लगाने के बाद हम फिर एक बार इसके ऊपर कुछ और ग्लिटर्स और कुछ और सजावट के लिए पर्ल्स भी लगा सकते हैं और ग्लिटर्स लगा सकते हैं, गोल्ड ग्लिटर्स या कलर्ड ग्लिटर्स। तो यहाँ पे जो है स्टिकर लगाने के बाद मैं यहाँ पे पर्पल कलर के ग्लिटर्स लगा रही हूँ। तो ये किसी में पर्पल लगा सकते हैं, किसी में ब्लू लगा सकते हैं, किसी में गोल्डन लगा सकते हैं। तो ये इसमें मैंने अलग अलग कलर के, ये देखो ये ब्लू वाले हैं, ग्लिटर्स लगाए हैं। तो ये हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हमने एपॉक्सी रेजिन का मिक्सर बनाया, फिर उसमें अल्कोहल इंक डाली, फिर वो अल्कोहल इंक जो है वाला मिक्सर लगाया, उसको 3-4 घंटे सूखने दिया, फिर हमने क्लियर रेजिन वाला मिक्सर लगाया, फिर उसको 5-6 घंटे सेट होने दिया। उसके बाद हमने स्टिकर्स चिपकाए, स्टिकर के बाद हमने ग्लिटर्स लगाए और अब फाइनल क्लियर रेजिन की मिक्सर की एक और लेयर लगा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वाले रेजिन मिक्सर की, स्टिकर्स और ग्लिटर्स लगाने के बाद।
आप इसको धीरे धीरे जैसे हम लगाते हैं, और ये भी वही वाला रेशो है 3:1 वाला, जो 3 पार्ट्स इपॉक्सी रेजिन और 1 पार्ट हार्डनर, और इसको धीरे धीरे हमने जो है इसके ऊपर डाल दिया, और सब सारे मोल्ड्स पे डालना है, सारे मोल्ड्स पे डाल दिया। और अब इस वाले को हमको कम से कम 12 घंटे पड़, 14 से 18 घंटे, या गर्मियों में 12 घंटे भी हो सकते हैं, इसको सेट होने के लिए छोड़ दें, और इसके बाद इसको मोल्ड्स में से निकालना है। तो मोल्ड में से निकालेंगे, सारी राखी को मोल्ड में से निकाल रहे हैं, और ये देखो बहुत ब्यूटीफुल सेट हो गई है ये। और अब इसके अंदर अब जब आप कुछ भी चेन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, धागे लगा सकते हैं, और ये आपकी जो है ब्यूटीफुल राखी आप रक्षाबंधन के लिए तैयार हो गई है। और इसको आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने भैया को भेज सकते हैं, और जो है आपको बाकी का जो क्या मटेरियल यूज़ करें ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कहाँ से मटेरियल ले सकते हैं ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। थैंक यू।